अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का वफ्द के हमरा पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसन यूनस ने वफ्द को सेफ सिटी की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। सेफ सिटी की बड़ी कार्रवाई, सेफ सिटी ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाला मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार करवा दिया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर शहरियों से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाता था। रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी की सेकंड सेक्रेटरी अजरा कोर्तवक की वफ्द के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। पाकिस्तानी नियाद नॉर्वेजियन शहरियों की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब भर से गुजस्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 85,557 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 6,215 कॉल्स पर बर वक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 48,504 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजस्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,166 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 877 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। पंजाब पुलिस राजनपुर की बड़ी कार्रवाई, बदनामी जमाना डकैत जावेद उर्फ जावेदी चांडिया कैफरे किरदार को पहुंच गया। खतरनाक डकैत जावेदी चांडिया ने गुजश्ता माह पुलिस मुलाजिम को शहीद किया था। फैसलाबाद थाना वुमेन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, घरेलू तशद्दुद करने वाले दो मुलजिमान गिरफ्तार। ननकाना साहब थाना फैजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 3 किलो मंशियात बरामद, मुकदमा भी दर्ज। सियालकोट पुलिस बिछड़ों को अपनों से मिलवाने में मसरूफ अमल। थाना छंबड़ियाल पुलिस ने लापता होने वाले हाशिम को कलील वक्त में तलाश करके वुरसा के हवाले कर दिया। वुरसा ने सियालकोट पुलिस का शुक्रिया अदा किया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने वफ्द के हमरा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसन यूनस ने वफ्द को सेफ सिटी की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। वफ्द को सेफ सिटी लॉस एंड फाउंड सेंटर की वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, वुमेन सेफ्टी ऐप और क्राइम स्टॉपर सर्विस बारे बताया गया। वफ्द को 200 से जायद मुकामात पर सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस बारे भी ब्रीफिंग दी गई। सेफ सिटी ने कार्रवाई करते हुए झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाला मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार करवा दिया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर शहरियों से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाता था। मजीद तफसीलात इस खसूसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम 15, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ना अभी मोबाइल स्नैच हुआ है, लड़का था बाइक पे 125 से, मैं पैदल जा रहा था, उन्हें से फोन चेंज करने निकल गया। अगर कैंची रे पुल तो ना मेरे को बंदा एक मोबाइल खो के नस गया होंगे के ऊपर। सर मेरा ना वारदात हो गई है, मेरा मोबाइल ना चलते चलते ना मोटरसाइकिल से छीन लिया गया। मैं तो स्टॉप पे खड़ा हूँ, मेरा ना मोबाइल एक स्नैचर ले गया और ये सलमा चौकी तक वो निकला है। सर मैं गुलबर्ग से बात कर रहा हूँ, मैं अभी बाइक पे आता, मेरा मोबाइल छीन के बाहर चला गया। आप परेशान ना हो, हम अभी पुलिस भिजवा रहे हैं। लाहौर शहर में से इमरजेंसी 15 पर ऊपर तले रॉबरी की मुतादिद कॉल्स मौसूल हुईं, जिनमें कॉलर्स ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़का उनसे मोबाइल छीन कर ले गया है। तमाम कॉल्स का जायजा लेने पर पता चला कि मुलजिम के हुलिये और तरीके वारदात में ममासलत पाई जाती है, जिसकी मजीद तस्दीक सेफ सिटी कैमराजात से हो गई। जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है कि वो अकेला ही चलती हुई बाइक पर एक हाथ से मोबाइल छीनता है। सेफ सिटी कैमराज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इसके चेहरे की शनाख्त की। ये सारी मालूमात हमने मुतलका पुलिस के साथ शेयर की। मुतलका पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि ये स्नैचर 30 से ज्यादा वारदातों में मुलविस है और पुलिस को मतलूब था। मुलजिम वारदात के बाद अपनी खुशी का इजहार बाइक पर मुख्तलिफ करतब दिखाकर करता है। शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफर या पैदल चलते वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें और मोबाइल को फ्रंट पॉकेट में ना रखें, ताकि आप मोबाइल स्नैचर्स का आसान हदफ ना बन सकें। अपने इर्द गिर्द पर नजर रखें और किसी भी इमरजेंसी में फौरन 15 पर इत्तला दें। रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी की सेकंड सेक्रेटरी अजरा कोर्तवक की वफ्द के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। वफ्द ने एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फिनांस रियाज नज़ीर गाड़ा से मुलाकात की और पाकिस्तानी नयाद नॉर्वेजियन शहरियों की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। नॉर्वेजियन वफ्द को पंजाब पुलिस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आईटी सलाहत, पब्लिक सर्विस डिलीवरी इकदामात से आगाह किया गया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, पुलिस खदमत और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के जरिए खदमात की फराहमी, मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली के इकदामात से भी आगाह किया गया। सेकंड सेक्रेटरी नॉर्वेजियन एम्बेसी का कहना था कि अकलीतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कम्युनिटी पॉलिसिंग के हवाले से पंजाब पुलिस के मौसर इकदामात को सराहते हैं। एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फिनांस रियाज नज़ीर गाड़ा और सेकंड सेक्रेटरी नॉर्वेजियन एम्बेसी के माबेन सवेनियर का तबादला भी किया गया।
पंजाब पुलिस राजनपुर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बदनामे जुमाना डकैत जावेद उर्फ जावेदी चांडिया को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। खतरनाक डकैत जावेद चांडिया ने गुज़श्ता माह पुलिस मुलाजिम को शहीद किया था। राजनपुर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर खतरनाक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। थाना सदर जामपुर की हदूद इलाका रुस्तम लगारी में पुलिस और डाकुओं के मबेन फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजमान की शदीद फायरिंग के जवाब में पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बदनामे जुमाना डकैत जावेद उर्फ जावेदी चांडिया हलाक हो गया। हलाक डाकू पुलिस को कत्ल, डकैती, रॉबरी, भत्ताखोरी और पुलिस मुलाजमीन की शहादत के वाकयात में मतलूब था। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।